हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का अचार, वो भी इंस्टेंट वाला। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको आप झटपट बनाकर खा सकते हैं। ये खाने के टेस्ट को, चाहे वो आप दाल खाएं, सब्ज़ी खाएं, टेस्ट को दोगुना कर देता है। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है। चलिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करना है, जिसमें से सौंफ है, ज़ीरा और है धनिया। इसको हम एकदम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो अच्छे से भुन जाने तक हमें हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है। लेकिन ध्यान रखें, ये जलने नहीं पाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे हमें वहाँ तक इसे रोस्ट करना है। तो ये भुन चुका है, इसको पीस लेते हैं। पीसने के लिए आप ग्राइंडर का यूज़ कर लें और इस तरह से इसका पाउडर तैयार कर लें। तो ये पिस चुका है। एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो ध्यान रखें, गैस को हमें ऑफ़ करना है, उसके बाद में ही सारा काम करना है। तो तेल हल्का सा जब ठंडा होने लगे, सबसे पहले हींग डाल देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे यहाँ पर राई, जिसको हमने क्रश करके रखा था, और ये हम डाल रहे हैं तैयार मसाला जो अभी पीसा था। हल्का सा चला लेंगे क्योंकि गैस ऑफ है। हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा मेथी पाउडर डाला है हमने, और अब कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। ये जो मोटे साइज़ की होती हैं, ये वाली मिर्चें डालना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये तेज़ नहीं होती हैं खाने में, इसलिए टेस्ट अच्छा लगता है अचार का, क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। साथ में डाल रहे हैं इसमें अब नमक, और अब अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारा ही मसाला मिर्चों में अच्छे से मिल जाए। गैस को हमें यहाँ पर अब एक बार ऑन कर लेना है 2 मिनट के लिए। और इसमें अब हम डाल रहे हैं नींबू का रस। आप चाहें तो अमचूर पाउडर वगैरह डाल लीजिए, लेकिन नींबू फ़ायदेमंद भी होता है और इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अचार में जब तक थोड़ा सा खट्टापन ना हो तो अचार टेस्टी नहीं लगता है। तो नींबू का रस डालने के बाद में एक बार चलाएंगे, गैस ऑफ करेंगे, और अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं कितनी टेस्टी लग रही हैं। खाने का टेस्ट ये दोगुना करने वाली हैं। तो अब हम इसके कुछ टिप्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टिप्स इसके क्या हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो जो हरी मिर्चें मार्केट में आ रही हैं, उससे भी आप अचार बना सकते हैं। या कभी मार्केट में जब ये मोटी मिर्च नहीं होती है, तब भी आप उन मिर्चों से भी ये अचार बना सकते हैं। नींबू के रस की जगह पर आप चाहें तो थोड़ी सी टाटरी या फिर अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बनाकर रख सकते हैं और 1 से 2 महीने के लिए आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप चाहें तो इन मिर्चों को न काटें और बीच में एक कट लगा कर यही मसाला उसके अंदर भर कर उसको फ्राई कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।